92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर पावर्ड बाय जी क्लासिक। हेमलता जी का संगीत से रिश्ता जन्म से ही था। पिताजी पंडित जयचंद भट्ट शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के एक गायक थे, लेकिन खुद संगीत से जुड़े होने के बावजूद वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी संगीत की दुनिया से कोई नाता रिश्ता रखे। पर कहते हैं ना कि कर्ता के मन कुछ और दाता के कछु और। ईश्वर ने हेमलता को सुरीली आवाज दी। वो अपने पिता से छुप छुप कर गाया करती थी। उनके संगीत प्रेम के बारे में सारे परिवार को पता था, बस पिता को छोड़कर। सब जानते थे कि हेमलता के गाने का राज ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं है, मगर साथ ही सबको यह भी डर था कि अगर हेमलता के पिता को यह पता चल गया तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। इसी पशुपेश में कलकत्ता के एक संगीतकार और हेमलता के गुरु भाई गोपाल मलिक ने एक आइडिया दिया। आइडिया यह था कि क्यों ना हेमलता को किसी ऐसे प्रोग्राम में गवाया जाए जहां उनके पिता के साथ साथ संगीत के और भी बड़े बड़े लोग मौजूद हों, और वहां जब लोग हेमलता की तारीफ करेंगे तो उनके पिता को उस पर नाराजी नहीं बल्कि शायद गर्व महसूस होगा। संयोग से एक प्रोग्राम का अवसर मिल ही गया। इस प्रोग्राम में बड़े बड़े लोग थे, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, हेमंत कुमार। इस शो को गोपाल मलिक ही कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे। गोपाल मलिक ने उस शो के लिए हेमलता के पिताजी को आमंत्रित किया। पहले तो वो नानुकुर करते रहे कि भाई मैं शास्त्रीय संगीत वाला हूँ, कहाँ फिल्मी लोगों के बीच में जाऊँगा, मगर गोपाल मलिक के जोर देने पर वो वहाँ आ ही गए। रफ़ी किशोर जैसे बड़े गायकों के गाने के बाद जब इंटरवल का वक्त नज़दीक आया तो गोपाल ने बेबी लता के नाम से हेमलता को स्टेज पर गाने के लिए इनवाइट किया। हेमलता उस वक्त 7-8 साल की रही होंगी। अब 8 साल की ये बच्ची जब स्टेज पे आई तो सबसे पहले तो पिताजी चौंक गए कि इतने बड़े प्रोग्राम में उनकी बेटी जिसे गाना नहीं आता उसे स्टेज पर बुलाया क्यों गया है। मन में ये डर भी था कि आज जिस मुकाम पर वो हैं कहीं उनकी बेटी के गाने की वजह से उन्हें लज्जित ना होना पड़े। इसी बीच जब बेबी लता ने फिल्म जागते रहो का गीत जागो मोहन प्यारे गाने का आलाप लिया तो पब्लिक में शोर शुरू हो गया। बच्ची हेमलता को लगा कि शायद पब्लिक को उसका गाना पसंद नहीं आया है। ये बच्ची हेमलता घबरा गई, लेकिन तभी क्या देखती है कि गोपाल मलिक और कुछ लोग स्टेज पर टेबल लेकर भागते हुए आ रहे हैं। लोगों ने उस टेबल को फटाफट स्टेज पर रखा और बच्ची हेमलता को उस पर खड़े करते हुए सामने माइक देते हुए बोले कि तुमने बहुत अच्छा गाया, इसलिए पब्लिक चिल्ला रही है कि छोटी बच्ची हमें दूर से दिख नहीं रही है, अब तुम टेबल पर खड़ी होकर गाओ। बेबी लता ने जब गाना शुरू किया तो पब्लिक का शोर बंद हो गया। उस दिन छोटी सी बच्ची हेमलता ने एक नहीं बल्कि लगातार 5 गाने गाए। उनके पिता भी उसे सुनकर हैरत में थे कि इतनी काबिल गायिका उनकी ही बेटी है। अपनी बेटी को मिल रही वाहवाही से उनकी भी आंखें भर आईं। प्रोग्राम के बाद जब मुख्यमंत्री ने उनकी बेटी को गोल्ड मेडल देने का अनाउंसमेंट किया तो बाप का सीना गर्व से फूल गया। अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और उसी वक्त उससे बोले कि वो अब उसको गाने से रोकेंगे नहीं बल्कि अब उसे खुद गाना सिखाएंगे। बचपन में बेबी लता के नाम से मशहूर हुई हेमलता ने हिंदी फिल्मों के लिए बहुत से बेहतरीन गीत गाए हैं। अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे, कौन दिशा में लेके चला है बटोहिया, ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में, जब दीप जले आना तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। हेमलता को उनके प्लेबैक के लिए फिल्म फेयर में 5 बार नॉमिनेट किया गया, जिसमें से एक बार उन्हें 1977 में 2 गानों के लिए एक साथ नॉमिनेट किया गया था और उस साल का अवार्ड भी उन्हीं को मिला। गीत था चिच्चोर फिल्म का तू जो मेरे सुर में सुर मिला। वापस आकर बताऊंगा कि क्यों निकाल दिया अरुणा ईरानी को स्कूल से, वो क्यों आई फिल्मों में, क्या थी उनकी मजबूरी, किसने दिया उन्हें ब्रेक। अरुणा ईरानी की ये कहानी बस थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।